सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं जी। और आज की वीडियो के लिए फिर से अपनी विजिट सुरेंद्र डेयरी फार्म की है जी। सुरेंद्र जी के घर पर आज फिर से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से कस्टमर आए हैं। 10 गाय इन्होंने खरीदी हैं, जो इससे पहले इधर वाली तरफ आप लोग देख रहे हो 8 गाय, तो ये है 9वें नंबर वाली गाय ये रही, और एक गाय सामने अंदर जो बंधी हुई है। 10 गाय जाएंगी, और इसके अलावा इधर वाली जितनी भी गाय आगे आप लोगों को दिखाऊंगा सेल के लिए अवेलेबल हैं। साथ में दूध के लिए भी सुरेंद्र जी के पास कुछ गाय अंदर रुकी हुई हैं, वो भी आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर भाई सबका आगे स्क्रीन के ऊपर आएगा। गाँव धौला किंगरा, तहसील गिद्दड़बाहा, डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहिब इस गाँव को लगता है जी। रूटीन में वीडियोज आप लोग अपने चैनल पर देखते रहते हो। आगे की बातचीत करने से पहले जो मेरे भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास वाला घंटी का बटन प्रेस कर दें, जो आने वाली जितनी भी वीडियोस अपने चैनल पर आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती जाएगी। आइए आगे की बातचीत करते हैं सुरेंद्र जी के साथ, और प्रॉपर डिटेल आज वाली गायों की आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। कैसे हो सुरेंद्र जी? बहुत बढ़िया जी। बढ़िया चाहिए, और काम काज घर परिवार भी बढ़िया जी? बढ़िया जी। अच्छी बात है जी। और फसल की कटाई भी चल रही है साथ में? चल रही है जी। अच्छी है फसल जी? ठीक है जी, जो दे दिया भगवान ने बस। चलो बहुत अच्छी बात है। सुरेंद्र जी सबसे पहले प्रॉपर एड्रेस एक बार और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। एड्रेस है जी गांव धौला किंगरा, तहसील गिद्दड़बाहा, जिला श्री मुक्तसर साहब जी। कनेक्ट नंबर है 7009533165 जी। व्हाट्सएप वाला नंबर है 9417455158 जी। ओके सुरेंद्र जी, रूटीन में वीडियोज आती रहती हैं, इससे पहले वाली वीडियो में भी महाराष्ट्र के कस्टमर थे। हाँ जी। आज भी महाराष्ट्र के कस्टमर है। पिछली बार जो आए थे मेरे हिसाब से वो तो पहले भी आते रहते हैं ना जी, उसके साथ कुछ नए भाई आए। हाँ जी। और आज वाले ये जो भाई हैं ये अपने पास पहली बार आए, व्यापारी भाई हैं। व्यापारी भाई अच्छी गाय खरीदते हैं। हाँ जी। ओके जी, और साथ में सेल के लिए अवेलेबल गाय भी? हाँ जी, 10 गाय तो जा रही है सेल के लिए। कितनी गाय आज है जी सेल के लिए? 12-13 गाय है जी, कुछ अंदर रुकी हुई है, कुछ बाहर है, 5-6 गाय। और दूध की क्षमता आज के बारे में जानना चाहूंगा, ओवरऑल बात करूँ जो गाय इनकी जा रही है या घर पर जो गाय रहेंगी, कितने की दूध वाली हैं जी? भाई साहब दूध वाली गाय इनकी तो सभी भाई साहब एक गाय है जो 15 लीटर दूध निकलने वाला है जी। अच्छा जी। और 6 मंथ की प्रेग्नेंट है। अच्छा, बाकड़ी क्या बना? हाँ जी, बाकड़ी क्या बना। बाकी सभी गाय 20 लीटर से लेके 30 प्लस तक की, 20-30 वाली हैं। हाँ, चाहे वो घर पर गाय। सारी की सारी आदांत, दो दांत और चार दांत है जी। एक ही गाय है जो तीसरे ब्यांत में। अच्छा, बाकी सभी पहले दूसरे ब्यांत, पहले दूसरे की है। ओके जी। और इसमें जैसे आप दूध की एवरेज बता रहे हो, जो घर पर गाय सेल के लिए रहेंगी वो भी इतने दूध वाली? हाँ जी, है जी। ओके जी। और लेके है जी, बाकी भाई साहब बात ऐसी होती है कि अपने जैसे गर्मी का मौसम है जी, बहुत से भाइयों के फोन भी आते हैं, बोलना बहुत आसान है जी 30-40 लीटर गर्मी के, आज के जो दिन जो 40 लीटर वाली है वो भी 25 पर आ जाती है इन दिनों में। सही है जी, अगर अच्छी केयर ना मिले तो। हाँ, वैसे थोड़ा लोग देखने और सुनने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। मैं भाइयों को बोलना चाहूँगा कि भाई साहब बोलने में और निकलने में बहुत फर्क होता है। ओके okay. निकालने में, कल किसी भाई का फोन था कि मेरे को प्योर देसी गाय चाहिए 30-40 लीटर दूध वाली, 30 प्लस वाली। अच्छा, ऐसे भाई भी हैं जिनको ये नहीं पता कि देसी गाय भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के कोई 20-25 बोल दे पर 14-15 में रह जाती है। सही है, अच्छी से अच्छी गाय 14-15 दूध देती है एक दिन का। सुरेंद्र जी दाम कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आज कितना रहने वाला है? भाई का तो मुकद्दर बहुत अच्छा था जी, बिल्कुल मुफ्त के भाव गाय ली है जी उन्होंने तो। अच्छा जी। मिली है कितने? इस बार बियार थोड़ा कुछ गाय मंडी से ली है, 6-7 गाय, बहुत मंदा बियार था जी। क्योंकि ये अपने इधर गेहूं का सीजन ज्यादा, हाँ कटाई वगैरह चल रही है, तो हाँ जो ज्यादा व्यापारी भाई हैं काम धंधे में बिजी हैं। हाँ जी, ग्राहक बिल्कुल कम था, भाई ने मंडी से तो जी 50-55-60 का बजट की गाय ली है जी। अच्छा जी, 60 कुछ, 1-2 65 वाली भी है। अच्छा, मिनिमम कम से कम कितने दाम वाली है जी? कम से कम तो जी 40,000 की बछड़ी भी है जी। अच्छा जी, और ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा 85 की है जी, 85 तक। हाँ जी, जो जैसे अच्छी बछड़ी ये पीछे जैसे दिख भी रही है ना जी। है जी, ये जैसे बछड़ी दिख भी रही है ना जी, अच्छी बछड़ियों के दाम आज के दिनों में भी हैं। हाँ जी, घर से दी है, आधांत बच्चा है जी ये, और ये बछड़ी दोनों घर से रखी है भाई। बहुत अच्छी बात है। सुरेंद्र जी चंद बातें कस्टमर को बुलाते हैं, उनके साथ करते हैं ना जी, व्यापार का काम है तो उनका कांटेक्ट नंबर भी आगे शेयर करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र वाले भाई जो गाय खरीदना चाहते हैं इधर से, वैसे तो तकरीबन
6-7 मंथ से इधर से गाय लेके बिक्री कर रहे हैं। अच्छी बात, भाइयों ने हर जगह से गाय लेकर देखी है। बहुत अच्छी बात है जी। अब अपने साथ तजुर्बा आ जाता है ना जी। हाँ जी, सभी आदमियों के पास जाएंगे। क्या अगर रंग उगड़ता है जी, क्या बात है। ठीक है, सही बात है जी। सुरेंद्र जी माइक भाई सबको दे दीजिए, हाथ में पकड़ लीजिए भाई सब, कोई बात नहीं। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, कैसे हो भाई साहब। मजे में चाहिए। क्या शुभ नाम है जी। मेरा नाम है मावली भाई बोलते मेरे को, मेरा नाम नैनेश्वरी। और प्रॉपर कहाँ के रहने वाले। मैं प्रॉपर पीरवाड़ा तालुका पुलमरी जिला औरंगाबाद। ओके जी। हाँ। और सुरेंद्र जी के पास पहली बार आया। पहली बार आया तो यही बोलूंगा कि वीडियो देखकर सुरेंद्र जी के वीडियो देख के आए। और 2-4 महीने से बातचीत चलती थी हमारी। अच्छी बात है, तो अच्छी बात बढ़ती थी। तो मैंने बोला चलो इनकी तरफ एक बार। बहुत अच्छी बात है। कितने दिन से इधर हो भाई साहब। मैं अभी तीसरा दिन है। तीसरा दिन। सबसे पहली बात खाना पीना रहने बहने की व्यवस्था। घर के सरीकी सोए अभी, घर के जैसा है। और जो पशु खरीदे आपने, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। पशु भी बहुत अच्छे खरीदे उन्होंने, अभी जरा धुपका लेके पीरियड की बहुत बढ़िया पशु लेके दिए हमको। ओके। हाँ। और दाम के बारे में जैसे सुरेंद्र जी बता रहे थे कि काफी अच्छे दाम में मिल गई आपको। उससे भी कम है, उन्होंने थोड़ा सा भी ये करे, उससे भी कम दाम में लेके दिए। अच्छा, जो लाख में लेते थे वो बछड़े हमको 55 में भी दिलाए उन्होंने। अच्छा, मंडी में भाई एक बछड़ी थी 75 की मांग रहे थे। हाँ जी, 3 कम 70 की लेके दिए। 3 कम 70, 8,000 का एक में फर्क पड़ गया। अच्छी बात है जी। इनके इनके मांगने पर 75 की थी कि 70 की कर लो, 75 की कर लो, तो 3 कम 70 की हो रही थी। ये नहीं भाई साहब, हक का 2,000 लेते हैं भाई। जब अब हिसाब किताब हुआ ना, तो हक का 2,000 देकर भी भाई 2-3 हजार बीच में इसे छूट रख रहा है। मैंने बोला भाई 100 भी नहीं छोड़ूंगा। सही है जी, अगर जायज कमाई कर रहे हैं। हाँ जी, अगले से लिया है हक का, तो भैया 2 से 100 भी नहीं छोड़ूंगा। सही बात है जी। और थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, कितने के समय बाद आप इधर आते रहते हो पशु खरीदने के लिए। हर हफ्ते को आता है मैं। हर हफ्ते हर हफ्ता आता है। उधर घर पर गाय सेल के लिए रहती है। हाँ, सेल के लिए। कितनी गाय होती है उधर। मेरे पास यहाँ जाने के बाद 10 गाय रहती है घर पे, मेरी डेयरी की 20-25 गाय रहती है। अच्छी बात है। तो जो भाई उधर से खरीदना चाहता है तो कोई खरीद भी सकता है ना जी। तो थोड़ा सा अपना कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बता दीजिए। लो मेरा नंबर है 9896-63-94-92, गाँव पीरबावड़ा तालुका पुलमरी जिला औरंगाबाद। नंबर एक बार फिर से बता दें। 9896-63-94-92। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। सुरेंद्र जी एक एक करके गाय चलाते हैं, साथ में आगे की बातचीत आगे शेयर करते हैं। मैं चलो। हाँ जी दोस्तों, बातचीत काफी हो गई, इससे आगे गाय आप लोगों को चलाकर दिखाएंगे। पहली गाय या ये बोल सकता हूँ कि पहली बछड़ी आप लोगों के सामने है। रंग रूप बहुत प्यारा है, ब्रीड इतनी की शानदार है कि कहना ही क्या जी। क्वालिटी फेस से इसकी ब्यूटी देखिए भाई साहब, थोड़ा सा घुमाते रहिए। सुरेंद्र जी क्या डिटेल है इसकी। ये 2 दांत तोड़े है जी इसने। अच्छा, दूध वाले। अच्छा, अभी 2 दांत प्रॉपर हुई नहीं, कहने हुई का मतलब नहीं है जी, तोड़े हैं दूध वाले। ओके जी। और फर्स्ट बार भी आने वाली है जी। कितना समय अभी है जी इसके। 12 से 13 दिन बाकी है जी अभी। ओके जी। 15 ले जाए तो 15 ही ले जाए जी। हाँ जी। सुरेंद्र जी कितने दूध की आशा से खरीदी जी। भाई साहब गर्मी में दूध देगी, सर्दी में होती तो भाई साहब 40 भी निकाल देती इतनी। अच्छा जी। दूध देगी 30 के आसपास जी, इसके आजू बाजू। हाँ जी। ब्रीड तो इतनी की शानदार है, जब ब्यूटी इस बछड़ी की इतनी का कहना ही क्या है। हाँ ना जी सुरेंद्र जी। और जो स्किन क्वालिटी है जी, जो इसकी बॉडी की शाइन है वो भी बहुत हाँ जी, परफेक्ट हाँ है जी, हाँ। अच्छे केयर वाले घर से आई है, स्पष्ट शब्दों में मैं ये बोल सकता हूँ, है ना। सुरेंद्र जी ये कितने दाम में दी। 85 की दी है जी। 85,000। बात करें तो आज वाली गायों में जो सबसे महंगी है वो यही है ना जी। ले जाइए भाई साहब, बांधिए। इससे आगे दोस्तों दूसरी गाय चलाकर दिखाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर सुरेंद्र जी का स्क्रीन के ऊपर आ रहा है जी। कोई भी भाई अगर गाय खरीदना चाहता है तो यहाँ पर सेल के लिए अवेलेबल भी रहती हैं। ऑल ओवर इंडिया के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा है, जहाँ से आप लोग खरीदना चाहो अपनी पसंद की गाय, या भैंसे भी खरीदना चाहते हो तो भैंसे भी यहाँ पर मिल जाती हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि स्पेशली सिर्फ गायों का ही काम किया जाता है। दूसरे नंबर वाली ऊँचे कदकाठ की गाय आप लोगों के सामने है। सुरेंद्र जी क्या डिटेल है। 2 दांत मुंह से है जी। हाँ जी। ये भी फर्स्ट बार बच्चा देने वाली है जी। 2 ही दांत मुंह से और पहले ब्यांत में पहले अभी ब्याने वाली। हाँ जी। कितना समय सुरेंद्र जी पड़ा हुआ है जी। ये रेडी है जी, बस 2-4 दिन लेगी जी ब्याने। 2-4 दिन। आगे हाँ को चलाइए भाई सब, थोड़ी सी लंबी चलाइए फिर बढ़िया चलेगी। सुरेंद्र जी एड्रेस का भी काफी शानदार है ना जी। हाँ जी। बड़े एडर वाली है। हाँ जी। और दूध की क्षमता कितनी की रहने वाली है भाई। दूध जे भी देगी जी 30 के आसपास, 30 के आजू बाजू में ये जाएगी। और वजन क्वालिटी या ब्रीड क्वालिटी सभी तरफ से शानदार का। हाँ जी हाँ जी। सुरेंद्र जी ये कितने दाम में दी। ये 65 की दी हुई है। 65,000 की दोस्तों ये गाय दी गई है। क्वालिटी आप लोगों के सामने, ब्याने के लिए अभी कुछ दिन निकालेगी। रंग रूप, बॉडी स्ट्रक्चर या अडर की शेप बहुत शानदार, इसकी परफेक्ट अडर वाली गाय है। और दूध के मामले में बात करूं
जहाँ गाय की बॉडी लैंग्वेज के मामले में बात करूँ तो जायज दाम में मिली है, जैसे भाई साहब बता रहे हैं। सर्दियों के साथ कंपैरिजन करूँ तो आराम से है कि 15-20 हज़ार का फर्क तो नॉर्मली है, है ना। असल में बताए तो ये बता ही रहे हैं 65 की ली इससे भी कम हुई है। सही है जी, क्योंकि भाई साहब ने आगे सही प्राइस इसका इसीलिए नहीं बता रहे, आज मिल गई कल को ग्राहक आए हाँ जी तो वो मांगे कि ऐसे दाम में ऐसी मछली ना मिले, दिमाग में वो बात ना बैठे कि हमारे साथ धोखा हुआ जहां हमको ज्यादा दाम में 56 की 56 हज़ार की लेके दिए। अच्छी बात है, तीसरे नंबर वाली गाय आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा घुमाते जाइए भाई साहब। सुरेंद्र जी डिटेल साथ में आप बताते जाइए जी। ये भी आधांत बच्चा है जी, खीरी है मुंह से हाँ जी। और अभी ब्याने में कितना समय है? ब्याने में इसके 10 दिन पेंडिंग है जी। 10 दिन। और सुरेंद्र जी दूध क्षमता के बारे में? दूध ये भी देगी जी 30 के आसपास, 30 के आजू बाजू में ये आराम से हाँ जी। और सुरेंद्र जी ये कितने दाम? ये 75 की दी है जी, 75 हज़ार की ये गाय दी गई है, ये बछड़ी दी गई है, घर से दी गई है सुरेंद्र जी के। और ब्रीड क्वालिटी या बॉडी की फिटिंग आप लोग सामने देख सकते हो, बहुत शानदार परफेक्ट बछड़ियाँ हैं। और एक बात ये भी है कि जिस हिसाब से इनकी ब्रीड है, क्वालिटी है, तो ये सुरेंद्र जी ज्यादा गर्मी भी नहीं मानी हाँ जी, है ना जी। ब्रीड में भी है, कोई ये नहीं कि क्रॉस ब्रीड है, नई उम्र की बछड़ी है, लेकिन जैसा इनका रंग रूप है, जैसा इनका रंग रूप है या जैसे इनकी बॉडी की लैंग्वेज है, अच्छे दूध के लिए रहेंगी हाँ जी। और गर्मी का वो ज्यादा प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है ना जी। बांधिए भाई साहब इससे आगे चौथे नंबर वाली गाय लेकर। चौथे नंबर पर एक और गाय आप लोगों के सामने है जी, बहुत ऊंचा कदकाठ है, रंग रूप बॉडी स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। सुरेंद्र जी डिटेल बताते जी, 4 दांत उठा रही है जी, वैसे 2 दांत अभी तक, बहुत हाइट और लेंथ वाली बछड़ी है जी। सही है जी, है पहले ब्यांत में है ना? पहले ब्यांत में जी। कितना का समय सुरेंद्र जी अभी इसके? 15 दिन बाकी है जी। 15 के दिन हाँ जी। और काफी ऑर्डर बनाएगी अभी तो, है ना, स्टार्टिंग सी है हाँ जी। और कितने दूध की आशा है सुरेंद्र जी? दूध देगी जी 25+ आराम से जी, और 30 भी निकाल दे तो इसके लिए कम है जी 30। सुरेंद्र जी कितने दाम में दी गई? 60 की दी है जी, 60 हज़ार की हाँ जी। और 25-25 लीटर तक दूध आप जैसे आशा रखते हो कि आराम से देने वाली है ना जी। ले जाइए भाई साहब बांधिए। इससे आगे पांचवें नंबर पर दोस्तों एक और गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है। सुरेंद्र जी क्या डिटेल है? ये 2 दांत है जी। अच्छा जी, फार्म की बछड़ी है, बढ़िया फुल हाइट लेंथ वाली जी हाँ जी। वजन का ये भाई साहब 75 की मांग रहे थे। अच्छा जी, इनको 67 की लेके अच्छा ये है वो 8,000 जिससे बचा है ना जी। और दोस्तों बाकी क्वालिटी आप लोगों के सामने है, रंग रूप काफी शानदार, जो सबसे खास बात मेरे को लगी हाइट और लेंथ सबसे खास है इसका हाँ जी। और सुरेंद्र जी ने दाम और दूध भी आप लोगों को बता ही दिया जी। ले जाइए भाई साहब बांधिए। इससे आगे सुरेंद्र जी कुछ जो सेल के लिए गाय है वो चला कर दिखाएं। इससे आगे दोस्तों पहले नंबर पर एक और गाय आप लोगों के सामने जो सेल के लिए अवेलेबल है, ताजी ब्याई हुई है? नहीं जी, ब्याने वाली। अच्छा, ब्याने वाली है। 10 से और क्रॉस ब्रीड की गाय है दोस्तों, मीडियम हाइट में अच्छे वजन वाली गाय है। सुरेंद्र जी कितना समय और कौन सा ब्यांत जी? भाई सब दूसरा ब्यांत है हाँ जी, और 10 से 12 दिन ब्याने में बाकी है जी। ओके जी, और दूध देगी जी 8 से 9 लीटर टाइम का जी। ये क्रॉस में 10 भी दे दो टाइम का तो दे दे जी। अच्छा, 17-18 से 20 तो तक जाने वाली देगी जी। अच्छा, 16-17 तो आराम से आराम देने वाली। आराम से दाम क्या रख दिया भाई? 45 हज़ार की देंगे। 45,000 45,000। और गर्मी के लिए सबसे बेस्ट गाय क्रॉस ब्रीड, फैट अच्छी, गर्मी सर्दी की कोई गाय लेने आते हैं जी। हर रोज 1-2 किसान ऐसे होते हैं जिनका बजट कम होता है जी हाँ जी, तो ये उनके लिए स्पेशल है जी। आगे से हमारा जी है कि बस ऐसे साइज की गए, ऐसे भी गर्मी गए, गर्मी के हिसाब से जो हर कोई खरीद सके जी। ओके जी, ले आइए बेटा बांधिए। इसे आगे दूसरे नंबर पर एक और गाय लेकर आइए जी। दूसरे नंबर पर एक और बिल्कुल ताजी ब्याई हुई क्रॉस ब्रीड की गाय आप लोगों के सामने है जी, मीडियम हाइट में, ये भी अच्छे अडर वाली, अच्छे दूध वाली गाय रहने वाली है। सुरेंद्र जी क्या डिटेल है जी? भाई सब दूसरी बार बच्चा दिया है, ये आज सुबह ही जनी है। आज सुबह की भाई बच्चा गया जी, बछड़ी है जी, पीछे बछड़ी, पीछे बछड़ी ऐसी ही है बछड़ी है ना? ऐसी बछड़ी है जी। और सुरेंद्र जी कितने दूध वाली रहेगी जी? दूध भाई साहब मालक का तो फर्स्ट ब्यांत का 12 लीटर का बताना है कि 12 लीटर टाइम का फर्स्ट में दिया हुआ है जी। अच्छा जी, इस बार सेकंड बार ब्याई है जी, पर देगी 11-12 आराम से जी गर्मी की वजह से। बाकी दे दे तो 12-13 भी टाइम का, पर 20+ बोल कर देंगे जी। 20+ आराम से हाँ जी। और दाम क्या रखा गया? दाम जी 65 हज़ार की देंगे। 65,000 दोस्तों दाम है। कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन हाँ के ऊपर है जी। इससे आगे तीसरी गाय चला कर। तीसरे नंबर पर एक और गाय सेल के लिए अवेलेबल आप लोगों के सामने है। सुरेंद्र जी क्या डिटेल है? ब्याने वाली अभी? ब्याने वाली है जी, 10 से 15 दिन बाकी है जी। 10 से 15 दिन
ओके जी, हाँ कौन जी। सा ब्यांत जी? दूसरा जी, दूसरे ब्यांत में। और दूध क्षमता कितनी रहने वाली दूध है? दूध भाई साहब मालक का तो कहना है कि फर्स्ट में 30+ पर 25+ बोल अच्छा। कर देंगे जी, देगी भी 12-13 टाइम का आराम से जी। ओके सुरेंद्र जी, दाम क्या रखा गया? दाम जी 70 की देंगे जी। 70 आज के भाव में अगर तैयार होती है जो ब्याती है तो और रहे जी, बढ़ भी सकता है। आज वो मौके की बात मौके पर रहेगी। हाँ जी, आज का दाम जो इसका है, अभी कोई भाई खरीदना चाहता है तो एक दो दिनों में, हाँ तो 70,000 दाम है ना जी। ले आइए भाई साहब, बांधिए। इससे आगे अंत में एक और गाय दोस्तों चला कर दिखाएंगे। 7009533165 स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है जी, कॉल के लिए अवेलेबल है, जब भी दिल चाहे तभी कॉल कर सकते हो जी। इससे आगे अंत में एक और गाय चला कर, इससे आगे अंत में दोस्तों एक और गाय आप लोगों के सामने है जी, सेल के लिए अवेलेबल है और अभी ब्याने वाली है। सुरेंद्र जी क्या डिटेल है जी? भाई साहब दूसरे ब्यांत ब्याने वाली है जी। अच्छा जी, कितना समय अभी ले जाएगी भाई? दिन ले जाएगी जी 10 से 15। हाँ जी, और फार्म की गाय है जी। जी ओके जी। हाँ सुरेंद्र जी, दूध कितने का वाली? दूध भाई साहब 30+ बताया जी मालक का, बाकी 24-25 तो देगी देगी जी आराम से। ओके, दाम भाई सब दाम जी 75,000 की देंगे। 75,000 75,000 इसका दाम। हाँ जी, मान सम्मान होगा कुछ ना कुछ? भाई साहब इसमें मान सम्मान वाली नहीं है जी कोई बात, फुल एंड फाइन गाय बहुत बड़ी है जी। थोड़ा सर्दी का मौसम होता तो 1,00,000+ की गाय थी जी। अच्छा जी, हाँ जी ओके। सुरेंद्र जी अब भी भाई साहब एक दो दिन के लिए 75 की है जी, अगर तैयार हो होकर गाय अच्छी बांधती है या 5-7 दिन रुकती है तो फिर और दाम होगा जी। ओके जी, सुरेंद्र जी कैमरे के सामने ये चंद बातें आपके साथ करते हैं। हाँ जी सुरेंद्र जी, ये तो होगी अपनी आज वाली गायों की डिटेल। एक ही बात पूछना चाहूंगा, गर्मी का समय आ गया जी, हाँ जी कस्टमर की कमी जरूर आ गई है ना? हाँ जी, ये बोल सकता हूँ कि आधे से भी कम कस्टमर रह गया पहले के। अपने पास कमी नहीं है जी। अच्छा जी, चलो बहुत अच्छी बात है। आप बता रहे थे जैसे ऑफ कैमरा बात हुई थी कि महाराष्ट्र की एक दो पार्टियां और एक दो दिनों में आने वाली हैं। हाँ जी, पुराने कस्टमर है जी। अच्छी, जितने भी अपने पुराने कस्टमर है सभी एक एक लोड ले जाने के लिए आ रहे हैं। अच्छी बात है। गर्मी का अगर सीजन शुरू हो गया तो गायों की ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आती आज के दिन? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, क्योंकि अभी रात के समय जैसे गाड़ी चलती है तो कोई ऐसी गर्मी वाली बात कोई गर्मी वाली बात नहीं है जी। दिन में गाय रेस्ट करती है जी, रात को गाय चलती है जो अदर स्टेट में जाती है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सबसे खास बात ये भी है कि गायों के दाम भी कम, और दूसरा गाड़ियों का किराया भी कम है। किराया भी कम है जी। सही है जी। अच्छा, क्योंकि पहले गाड़ियां ज्यादा निकलती थी, अब तो गाड़ी वाले भी ये बोलते हैं कि भाई साहब मेरी गाड़ी लगाओ मेरी गाड़ी लगाओ। सही है। हाँ जी। सुरेंद्र जी अंत में प्रॉपर एड्रेस और फोन नंबर एक बार फिर। एड्रेस है जी गांव दौला किंगरा तहसील गिदड़वा जिला श्री मुक्तसर साहब जी। कनेक्ट नंबर है 7009533165। व्हाट्सएप वाला नंबर है 9417445158। धन्यवाद जी, अच्छा लगा बातचीत।